मुझे गौरव है कि हमारी सेना में आज INS विक्रांत के रूप में पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर भी शामिल हुआ है। हम मैन्युफैक्चरिंग के नए सेक्टर में ही प्रवेश नहीं करी है, बल्कि खादी और ग्रामोद्योग जैसे अपने पारंपरिक सेक्टर में भी प्रशंसनीय काम कर रहे हैं। ये हम सभी के लिए खुशी की बात है कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के दौरान देश के खादी और ग्रामीण उद्योग का टर्नओवर 1,00,000 करोड़ रुपये से अधिक का हो चुका है। मेरी सरकार के प्रयासों से खादी के बिक्री में 4 गुना बढ़ी है। माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार ने इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप पर निरंतर अभूतपूर्व बल दिया है। इससे दुनिया की सबसे युवा आबादी वाले हमारे देश की ताकत का सदुपयोग हो रहा है। आज हमारे युवा अपने इनोवेशन की ताकत दुनिया को दिखा रहे हैं। 2015 से भारत ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 81 स्थान पर था, अब हम 40वें स्थान पर पहुंच गए। सात वर्ष पहले जहां भारत में कुछ 100 रजिस्टर्ड स्टार्टअप ही थे, वही आज ये संख्या लगभग 90,000 पहुंच चुके हैं। आज के युग में हमारी सेनाओं का भी युवा शक्ति में समृद्ध होना, युद्ध शक्ति में निपुण होना, टेक्नोलॉजी की पावर से लेस रहना बहुत अहम है। इन सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए अग्निवीर योजना शुरू की गई है। इससे देश की युवा शक्ति को सेनाओं के माध्यम से राष्ट्र की सेवा का अधिकतम अवसर मिलेगा। मेरी सरकार देश के युवाओं की शक्ति को खेलों के जरिए भी देश के सम्मान से जोड़ रही है। हमारे खिलाड़ियों ने कॉमनवेल्थ गेम्स से लेकर ओलंपिक और पैरा गेम्स से अभूतपूर्व प्रदर्शन कर ये साबित किया है कि उनकी प्रतिभा किसी से भी कम नहीं। देश के कोने कोने से ऐसे प्रतिभाओं को खोजने, उनका टैलेंट निखारने के लिए खेलो इंडिया गेम्स, खेलो इंडिया सेंटर्स से लेकर टॉप स्कीम तक चलाई जा रही है। हमारी सरकार दिव्यांग कल्याण को लेकर भी पूरी तरह संवेदनशील है। देश में एक साइन लैंग्वेज और सुगम्य भारत अभियान ने दिव्यांग युवकों को बहुत मदद दी है। माननीय सदस्यगण, बीते दशकों में हमने भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण में 2 बड़ी चुनौतियों देखी है। एक, इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े प्रोजेक्ट समय पर पूरी नहीं हो पाते थे। दूसरा, अलग अलग विभाग, अलग अलग सरकारें अपनी अपनी सुविधा से काम करती थी। इससे सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग भी होता था, समय भी अधिक लगता था और सामान्य जन को भी असुविधा होती थी। मेरी सरकार ने PM गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान बनाकर इन चुनौतियों से निपटने के लिए ठोस कदम उठाए हैं। PM गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान को लेकर राज्यों और यूनियन टेरिटोरीज ने भी उत्साह दिखाए हैं। इससे देश में मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी का भी विस्तार होगा। मेरी सरकार भारत को विश्व का सबसे कॉम्पिटेटिव लॉजिस्टिक हब बनाने के लिए प्रयासरत है। इसके लिए पिछले वर्ष देश में नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी लागू की गई है। इस पॉलिसी के लागू होने से लॉजिस्टिक कॉस्ट में काफ़ी कमी आई। मेरी सरकार देश के विकास के लिए जिस स्पीड और स्केल पर काम कर रही है वो अभूतपूर्व है, अतुलनीय है। मेरी सरकार ने आने के बाद
भारत के गरीबी के लिए औसतन हर रोज आवास योजना के 11,000 घर बने। इसी अवधि में भारत में हर रोज औसतन 2.5 लाख लोग ब्रॉडबैंड कनेक्शन से जुड़े। हर रोज 55,000 से ज्यादा गैस कनेक्शन दिए गए। मुद्रा योजना के तहत हर रोज 700 करोड़ रुपये से ज्यादा का लोन दिया गया। बीते 8-9 वर्षों में भारत में लगभग हर महीने एक मेडिकल कॉलेज बना है। इस दौरान देश में हर दिन में 2 कॉलेज की स्थापना हुई है। हर सप्ताह एक यूनिवर्सिटी बनी है। सिर्फ 2 साल के भीतर भारत ने 220 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन की डोज भी दी है। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो साल 2004 से 2014 के बीच देश में जहां 145 मेडिकल कॉलेज खुले थे, वही मेरी सरकार ने 2014 में 2022 तक 14 से 2022 तक 260 से अधिक मेडिकल कॉलेज खोले थे। मेडिकल की पढ़ाई कर रहे छात्रों के लिए ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएटों की संख्या अब पहले के मुकाबले देश में दुगुनी हो चुकी है। 2014 से पहले जहां देश में कुल लगभग 725 विश्वविद्यालय थे, वही बीते केवल 8 वर्षों में 300 से अधिक नए विश्वविद्यालय बने। इसी दौरान देश में 5,000 से अधिक कॉलेज भी खुल गए हैं। इसी प्रकार फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में भी तो देश में कई नए रिकॉर्ड बने हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में 2013-14 तक देश में करीब 3,81,000 किलोमीटर सड़कें बनी थी, जबकि 2021-22 तक ग्रामीण सड़कों का ये नेटवर्क 7 लाख किलोमीटर से भी ज़्यादा हो गया। अब तो देश की 99% से अधिक बस्तियां सड़क मार्ग से जुड़ चुकी है। वर्ल्ड बैंक सहित अनेक संस्थाओं की स्टडी के अनुसार ग्रामीण सड़कों से गांव में रोजगार, खेती, शिक्षा और स्वास्थ्य पर बहुत सकारात्मक असर पड़ा। नेशनल हाईवे नेटवर्क में पिछले 8 वर्षों के दौरान 55% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। जल्द ही भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत देश के 550 से ज़्यादा जिले हाईवे से जुड़ जाएंगे और व्यवस्था को गति देने वाले कॉरिडोर्स की संख्या 6 से बढ़कर 50 होने वाली है। इसी तरह देश के एविएशन सेक्टर भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। साल 2014 तक जहां देश में एयरपोर्ट्स की संख्या 74 थी, तो आप बढ़कर 147 हो गए। आज भारत दुनिया का तीसरा बड़ा एविएशन मार्केट बन चुका है। इसमें उड़ान योजना की भी बहुत बड़ी भूमिका है। भारतीय रेलवे अपने आधुनिक अवतार में सामने आ रही है और देश के रेलवे मैप में अनेक दुर्गम क्षेत्रों भी जुड़ रहा है। वंदे भारत एक्सप्रेस के रूप में एक आधुनिक और सेमी हाई स्पीड ट्रेन भारतीय रेल का हिस्सा बन